वीडियो को बिना स्किप करे कंप्लीट वॉच करना एंड आपको समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। मेरी ना वैसे कभी कभी आप अगर आपको लग रहा होगा कि ये कैसे बकवास कर रही है अपने वीडियो में, तो मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ। मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती भाई। मैं जो नेचुरली निकलता है, जो दिमाग में आता है, जो बुद्धि में आता है, निकाल देती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जो मेरे फोरहेड के एक्ने को ना खत्म कर चुकी है एकदम तमाम। और सुनो, एक बात बताती हूँ कान में, इस रेमेडी को बनाना बहुत सिंपल है। बस आपको एक बार तैयार करनी है और आप इसको एक वीक तक यूज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है। इधर आओ, ये देखो कैसा था मेरा फोरहेड, दानों से भरा हुआ एकदम। और ये आज से 3 दिन पहले की सिचुएशन है। और अभी देखो दब चुके हैं, बल्कि एक नया आ गया है, बट ठीक है बाकी तो दब गए हैं। तो ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव है, बहुत, हाँ बहुत। इस रेमेडी को मैंने प्रिपेयर किया था आज से 3 दिन पहले और मैंने इसको 3 दिन लगातार यूज़ किया, दिन में भी और रात को सोने से पहले। और इसके रिजल्ट्स फाइनली आज मिल गए मेरे को। देख रहे हो कितना चमक रहा है मेरा शक्ल, मेरी शक्ल, पुलिंग स्त्रीलिंग। तो चलो शुरू करते हैं और वीडियो को बिना स्किप करे कंप्लीट वॉच करना। मौसम देख लो आप, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है यार। देख रहे हो कितना सही मौसम हो रहा है ना। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा तोड़ के, ये बड़ा एलोवेरा मम्मी ने लगा रखा है, बहुत सारा। भाग भाग के ऊपर आई हूँ ना, इसलिए सांस चढ़ गई, बट ठीक है। आपको ना एलोवेरा ले लेना है, देख रहे हो फ्रेश फ्रेश एलोवेरा, मोटा सा थोड़ा। ये खड़ा नहीं, तो इसको तोड़ देंगे। खैर इतना नहीं, थोड़ा सा और फ्रेश, इतना काफ़ी है आई थिंक। चलो फिर अपने घर चलते वापस, कोई देखने वाले चुराते हुए। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही डिप रखना है इसके अंदर, ताकि इसका ये पीला पीला निकल जाए। वहाँ पर रखे हैं थोड़े से चावल, तो इनका ही यूज़ करेंगे हम। थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा फ्लैक्स सीड जेल बना लेती हूँ, उसको भी डालूँ। ठीक है, तो अभी फ्लैक्स सीड जेल बनाते हैं। बहुत सारी वीडियो में तो आपने देखा ही है कैसे बनाते हैं फ्लैक्स सीड जेल को। पानी लेना है, फ्लैक्स सीड डालना है थोड़े से एंड पका लेना है, हो जाएगा। ये डाला पानी एंड फ्लेम ऑन करेंगे। ये क्या हुआ, कम हो जा, एक सेकेंड कुछ ढूंढना पड़ेगा। इससे करेंगे, इससे करेंगे। देख रहे हो मेरी खुशी, एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, एक हाथ से इसको कर रही हूँ। चलो इसको बॉईल करने दो, हो जा भैया बॉईल जल्दी से। जब तक देखो इसका पीला पीला आने लगा है नीचे एलोवेरा का, तो जब पूरा आ जाएगा तब हम करेंगे इसको निकाल के। एक मिक्सर जार ले लेना है। अब हम इसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो ये रखे हमने चावल, थोड़े से चावल ले लेती हूँ, एक चम्मच समथिंग। इतने तो ज़्यादा हो जाएंगे, इतने बहुत है। चलो बाकी रख देते हैं, मम्मी से छुपा के फटाफट से। बंद हो जा भाई, अरे बंद हो जा, बंद ही ना हो रहा, ऐसे ही रख दूँ। ये उबलने लगा, ये जल के उबलने लगा। ये पूरा इसका येलो वाला जेल निकल चुका है, तो अभी हम इसको कट करेंगे। ठीक है, चलो वो जो पत्ते तोड़े थे मैंने, वो एक्चुअली में नीम नहीं था, मेरा मोए मोए हो गया यहाँ पर। तो हम ऐसे ही बनाएंगे बिना उसके। तो
फाइनली हो चुका है हमारा पेस्ट रेडी। इसको हम डालेंगे क्यूब्स बनाने के लिए। ऐसे ट्रे में हमें इसको डाल देना है सिंपली, और 5 से 6 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से क्यूब्स बन जाएं। खुल जा, गिरते गिरते बचिया। चलो फ्रिज में जाओ बेटा, इसको रखेंगे फ्रिज में। अभी के लिए तो मैंने इसका पेस्ट बना के बचा लिया थोड़ा सा, क्योंकि क्यूब्स बनने में भी लगेगा टाइम, तो मैं इसको भी लगा रही हूँ इसके पेस्ट को सिंपली। देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। और अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, एंड सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगी मैं आगे, प्लीज़ कर लो। तो अभी अप्लाई कर रहे हैं इसको। बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं गाइस, क्योंकि इसमें देखो राइस भी है, फ्लैक्स सीड्स भी हैं, और बेसन भी डाल दिया था मैंने इसमें थोड़ा सा बाद में, खैर, बट क्यूब्स में नहीं, क्यूब्स में बेसन नहीं है, क्यूब्स में सिर्फ राइस, एलोवेरा और फ्लैक्स सीड्स। तो इधर ऐसे अप्लाई कर देना है एंड देन 15 मिनट वेट करेंगे फिर वॉश ऑफ। देख लिया पूरा प्रोसेस, आ गया समझ में कैसे करना है। करना है रेगुलरली, रेगुलरली मतलब डेली करना है। अगर आप नेचुरल रेमेडीज को यूज कर रहे हो तो आप अगर उसको हमेशा एक कंसिस्टेंट वे में ट्राई करोगे, यूज करोगे, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जाओ जल्दी से इस वीडियो की रेमेडी को बनाओ और अपने पिंपल को भगाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाओ। वाओ क्या राइम बनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।